हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको अपने गार्डन में लेकर आई हूँ और बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ, मतलब अपने गार्डन में आपको अपना एडेनियम का कलेक्शन दिखाऊंगी और थोड़ी सी बातें भी बताऊंगी और दिखाऊंगी कौन कौन से कलर हैं। अधिकतर तो देसी कलर हैं, लेकिन जो है मेरे पास हाइब्रिड वाला भी है, तो पूरा कलेक्शन दिखाऊंगी। और आपको पहले भी शायद मैंने दिखाया है, लेकिन इस बार फिर से मेरा मन हो रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया जाए एडेनियम का जो कलेक्शन है। तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं, बहुत सारा एडेनियम लगा हुआ है और सीड पॉट भी आ रहा है। मैंने इसकी केयर पे वीडियो डाला है, सीड का जब आए प्लांट में तो कैसे केयर की जाती, कैसे कलेक्ट किया जाता है, आप लोग मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। तो मैं आपको अपना एडेनियम का कलेक्शन दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने कुछ प्लांट इसमें से ऑनलाइन भी ऑर्डर किया था, मंगाया था, आप लोगों को दिखाया था, फुल वीडियो बनाया था। अब इस समय फ्लावरिंग तो बहुत हो रही है, कुछ प्लांटों में हो रही है, कुछ प्लांटों में बंद हो गई है, और मैंने हर चीज़ इसके बारे में बताई है, अक्सर वीडियो में डालती रहती हूँ। आप लोग कुछ भी जानकारी चाहिए या कटिंग से तैयार करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, कोई भी वीडियो देखना हो तो आप सर्च करके देख सकते हैं, फुल वीडियो मिलेगा आपको और बहुत सारी जानकारियाँ दोस्तों मिलेंगी उस पर। तो चलिए मैं कुछ प्लांट दिखाती हूँ आपको जो कि बहुत ही प्यारे हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, तब तक बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले ये प्लांट देखिए, कितना प्यारा फूल है, और इसको मैंने मतलब पिछले साल ख़रीदा था, और ये हाइब्रिड वाला है, डबल पत्ती वाला। देखिए डबल पत्तियाँ हैं इसकी, ये डबल पत्ती वाला है एडेनियम, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी इस सीज़न में बहुत अच्छी फ्लावरिंग किया है। मैंने इस पर वीडियो डाला था इसकी फ्लावरिंग पे, जब मैंने खाद दिया था तब उस समय फूल इसमें बहुत ज़्यादा खिले थे, और इस समय तो एक ही खिला हुआ है, लेकिन तब भी अच्छा लग रहा है और अक्सर फूल खिलते रहते हैं इसमें। और ये छोटे से पॉट में लगा है और ये बीज से तैयार है दोस्तों, हमने बीज में और कटिंग से तैयार किए हुए दोनों प्लांट में अंतर भी बताया है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बीज से तैयार किया हुआ है, मैंने इसलिए पहचाना क्योंकि इसका जो कोडेक है काफ़ी मोटा है और हेल्दी है, तो ये बीज से तैयार किया हुआ है। और पिछले साल मैंने इसको नर्सरी से मंगाया था, नीलांबर नर्सरी से। तो एक ये प्लांट मेरे पास है, बाकी ये छोटे छोटे से लगे हुए हैं जो कि मैंने कुछ ऑनलाइन मंगाया है और कुछ जो है कटिंग से तैयार किया है। और दूसरा प्लांट ये देखिए, ये वाइट वाला है एडेनियम, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसमें इस समय फूल बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं और देखिए कलियाँ भी बन रही हैं। और मैंने इसमें अभी तक तो फर्टिलाइज़र जो बताया है आप लोगों को वही मैंने दिया था, बाकी कोई भी फर्टिलाइज़र मैंने इसमें अभी तक नहीं दिया है। ये भी छोटे से पॉट में लगा हुआ है और ये भी नीलांबर नर्सरी से का ही है, और ये देसी वाला जैसा होता है थोड़ा सा वैसा ही है, बस वाइट कलर का है, और वाइट कलर के फूल देखने में बहुत दोस्तों प्यारे लगते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। और ये भी बीज से तैयार किया हुआ प्लांट है, ये देखिए। और ये वाला देखिए, ये कटिंग से तैयार है प्लांट, इसका जो कोडेक है आप देख सकते हैं काफ़ी डिजाइनर है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए थोड़ा सा डिजाइनर है लेकिन अच्छा कोडेक निकला है इसका, ये कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है। और इधर सब कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट हैं, जो छोटे छोटे पॉट में इस तरह से रखे हुए हैं ये सब कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट हैं, और बाकी जो है बीज से तैयार किए हुए हैं। ये देखिए इधर सब थोड़ा सा बीज से तैयार किए हुए, ये भी बीज से ही है लेकिन ये अलग अलग कलर के हैं, पिंक कलर फूल खिलते हैं इसमें। और मैंने जब इनको शिफ्ट किया था तो नीचे मैंने लिख दिया था, ये देखिए लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा रेड कलर का लिखा हुआ, नीलांबर नर्सरी मैंने लिख दिया था नेम पॉलिश से, जिससे पहचान जाती हूँ कि नीलांबर नर्सरी का प्लांट है। तो इसकी भी ग्रोथ देख सकते हैं, और ये जो है हेल्दी प्लांट है ये भी। और इधर सब पूरे कटिंग से रखे हुए छोटे छोटे जो पॉट में लगे हुए हैं, और ये देखिए ये भी नीलांबर नर्सरी वाला ही है शायद, अभी देखती हूँ ज़रा, यहाँ ये देखो लिखा हुआ है NK, मतलब नीलांबर नर्सरी से मंगाया था मैंने कोलकाता से। तो ये देखिए सीड, इसमें भी जो है कलियाँ बन रही हैं, फूल खिल रहे हैं, इसमें भी बहुत प्यारा फूल खिलता है, बहुत अच्छा फूल खिलता है। अभी मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं किया था,
और ये बारिश में अच्छी ग्रोथ किया है, छोटे से पॉट में लगा हुआ है, बीज से ही तैयार है ये भी, तो ये भी बहुत अच्छा है। ये भी मेरे पास कलेक्शन नहीं था तो मैंने मंगाया था। अब दिखाती हूँ आपको, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये भी बहुत प्यारा फूल खिला है, आप लोग देख सकते हैं। अक्सर मैं इसका फ़ोटो देखती हूँ ऑनलाइन, बड़ा अच्छा लगता है। और ये पूरी तरीके से अभी खिला नहीं, अभी सिंगल पत्तियाँ ही खोली से, और इसके फूल दोस्तों कई दिनों तक बने रहते हैं, मतलब मान के चलिए कि 2-4 दिन बने ही रहते हैं, 2-4 दिन बने रहते हैं इसके फूल और मुरझाते नहीं हैं, काफ़ी हेल्दी फूल रहते हैं। और जब ये पूरा खिल जाता है तो काफ़ी अच्छी ग्रो, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है। शेडेड थोड़ा पिंक है, वाइट है, और इसमें भी कलियां देखिए बन नहीं हैं, ये देखिए काफ़ी कलियां बन नहीं हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ किया है बरसात में, मानसून में। और मैंने इंडोर कोई भी प्लांट एडेनियम का नहीं रखा था, जो जहाँ रखा है वहीं रखा था, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह है नहीं रखने की, सब बहुत ज़्यादा प्लांट हो गए हैं, रखना भी था लेकिन मैंने नहीं रखा। हमने सोचा ग्रोथ भी करेंगे अच्छी तरीके से, इसीलिए मैंने नहीं रखा। ये भी जो है नीलांबर नर्सरी का ही है, ये देखिए एन के लिखा हुआ है, इस इधर आपको दिख रहा होगा रेड रेड, ये देखिए यहाँ पे, तो ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अब और दिखाती हूँ आपको, और ये भी देखिए, ये भी कली बना रहा लेकिन अभी फूल नहीं खिला हुआ है। तो इधर सब छोटे छोटे जो प्लांट हैं, इधर सब कुछ कटिंग से तैयार किए हैं मैंने, और कुछ नीलांबर नर्सरी से मंगाया है, और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। मानसून में मैंने फुल बारिश में इनको छोड़ दिया था ऐसे ही, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा जम के फ्लावर इसके खिले हुए। मैंने अक्सर वीडियो इसका डाला भी है, जब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है तो मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ। तो मुझे तो आज दिखाना ही था मेरे पास कौन कौन सा कलेक्शन नया है, जो मैंने अभी जल्दी लिया। पहले तो देसी वाला था मेरे पास, सिर्फ देसी ही वाला था, तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि देसी ही है, मुझे हाइब्रिड वाला चाहिए था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसको मंगाया और अपने प्लांट में, मतलब गार्डन में शामिल किया। तो इधर सारे छोटे छोटे जो पॉट में कटिंग से है, अब मैं दूसरा दिखाती हूँ, ये देखिए ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और आप देख सकते हैं ये भी मैंने ऐसे यहीं से लिया था अपने पड़ोस से ही, और ये इसी सीज़न में लिया था। इसके भी जो फ्लावर हैं काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं, ये 2-3 दिन से खिले हैं इसीलिए जो है ये थोड़ा सा मुरझाने लगे हैं, वरना जो है इसके फूल दोस्तों 2-4 दिन तो चल ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी मुरझाते नहीं हैं। इसमें देखिए कली बनी है, कली इतनी बड़ी बनी है, आप समझ सकते हैं जब इतनी बड़ी कली है तो फूल कितना बड़ा होगा। और शेडेड देखिए काफ़ी अंदर वाइट है, और डार्क मैरून है, फिर थोड़ा सा हल्का मैरून है, और काफ़ी हेल्दी प्लांट है। और इसकी मैंने प्रूनिंग भी किया था, यहाँ से इसकी कटिंग लगाई थी तो चली नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गर्मी में लगा दिया था, उधर दिवाली के बाद लगाया था, मतलब दिवाली के पहले मैंने कटिंग किया, 10-15 दिन ऐसे ही छोड़ दिया, तो सारी कटिंग सूख गई थी, लगी नहीं थी दोस्तों। और ये प्लांट भी मेरा अच्छी तरीके से ग्रोथ किया है, इस बार भी मैं प्रूनिंग करूँगी तो कटिंग ज़रूर लगाऊँगी। इसमें भी देख सकते हैं कलियाँ बनेंगी, ये देखिए। तो ये भी मेरे गार्डन में आ गया एक नया प्लांट, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करने वाला। तो बस इधर जो है सब कटिंग से तैयार किए हुए, नीलांबर नर्सरी से मैंने मंगाया, वो प्लांट रखे हुए हैं। भी सारे एडेनियम का कलेक्शन ही रखा हुआ है, जो प्लांट मेरे रूट रॉटिंग का शिकार हो गए थे वो भी मैंने अच्छी तरीके से मतलब जो है कर दिया था। इसकी भी ये देखो ग्रोथ हो रही है, सेलो पॉट में लगा हुआ है। और इधर भी सब जो है एडेनियम का ही कलेक्शन है। अब देखिए सीड पॉट आ रहा है, तो मैं भी सीड से तैयार करने की कोशिश करूँगी। तो इधर सब ऐसे ही रखे हुए हैं, अभी मैंने इनको ठीक से रखा नहीं है क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है, तो अब देखते हैं किसी दिन टाइम मिलेगा तो अच्छी तरीके से सारे प्लांट अपने हम लगाएंगे। और इधर तो हो गया छोटा कलेक्शन जो है, जो मैंने कटिंग से और छोटे छोटे प्लांट तैयार किए हैं जो अभी छोटे हैं, वो वाला कलेक्शन सब इधर रखा हुआ है, और बड़े कलेक्शन जो मेरा है वो इस साइड पे रखा हुआ है। इधर सब बड़े बड़े प्लांट हैं, अभी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और इतने बड़े हो गए हैं कि गमला तक नहीं दिख रहा, आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है मानसून में।
और एक पेड़ में वहाँ पे देखिए कलियाँ बनी हुई हैं, अभी कलियाँ मतलब खिली नहीं हैं, ये देसी वाला है, थोड़ा सा रेड जो डार्क रेड में और वाइट में आता है वो वाला है। तो इधर सब कलेक्शन बड़ा वाला रखा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, खूब बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं और इधर भी कुछ बड़े रखे हुए हैं। ये देखिए इसमें भी फ्लावरिंग हुई है, सबके वीडियो मैंने डाला है यूट्यूब चैनल पे अपने, तो आप देख सकते हैं। तो ये था मेरा एडेनियम का कलेक्शन और आप लोगों को लगाना है तो मैं थोड़ी सी बातें इसके बारे में करना चाहूँगी कि आप लोग एडेनियम का जो कलेक्शन है वो आप इसी तरह बना सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, नर्सरी से प्लांट अगर आप लाते हैं तो उसकी केयर थोड़ी सी करना पड़ेगा आपको। अगर पहली बार लगा रहे हैं तो आपको मिट्टी बहुत ज़्यादा वलड्रेन बनानी पड़ेगी, मतलब हद से ज़्यादा वलड्रेन होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। अगर पानी ज़रा सा भी उसमें रुकेगा तो एडेनियम प्लांट तो 100% ख़राब हो ही जाता है, ये मैंने देखा है। तो मिट्टी भुरभुरी बनानी है आपको, आपको बालू मिट्टी की मात्रा ज़्यादा मिलानी, मतलब दो भाग, एक भाग गार्डन सॉयल लेना है और एक भाग आपको उसमें कोकोपीट मिलाना। कोकोपीट इसलिए कि डेली पानी डाला नहीं जाता है, हफ्ते दो हफ्ते में एक बार पानी आप डालेंगे बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। कोकोपीट हमेशा जो है एडेनियम के प्लांट में या कटिंग में, दोनों में हम मिला के ही लगाते हैं। अब इतने प्लांट लगे हुए हैं, सब में कोकोपीट मिला हुआ है गमले में। और इसके लिए जो गमला आप चूज़ कीजिए वो छोटे से छोटा हो सके तो सैलो पॉट ही लीजिए, क्योंकि सैलो पॉट में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है तो पानी रुकेगा नहीं तो हमारा प्लांट ख़राब नहीं होगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सैलो पॉट आप लीजिए, ये तो छोटा लीजिए, मतलब गहराई वाला, बहुत ज़्यादा गहराई वाला मत लीजिएगा। आप ऐसा लीजिएगा कि जैसे ये वाला गमला देखिए मेरा है, ये वाला, ये देखिए छोटा सा है सैलो पॉट, या छोटे छोटे गमलों में मैंने लगा रखा है ताकि पानी बहुत ज़्यादा डालना ना पड़े। तो ये चीज़ आपको करनी है, समर सीज़न का प्लांट है और ये कम पानी वाला प्लांट है, आपको पानी डेली नहीं डालना, हफ्ते में एक बार डाल देंगे वो पर्याप्त है। फुल सनलाइट का प्लांट है, सेडी एरिया में आपको नहीं रखना है। फुल सनलाइट का मतलब है ओपन एरिया में रखिए, जहाँ पे मतलब रोशनी नहीं, पूरी धूप पड़ती हो वहाँ पे रखना है, आपको सेडी एरिया में बिल्कुल भी नहीं रखना है। पानी आपको हफ्ते में एक बार देना है। फर्टिलाइज़र में मैं बात करूँ तो इसको पोटास है, बोन मील है, DAP है और एप्सन सॉल्ट है, ये तीन चार खाद आप दे सकते हो और किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी आप दे सकते हैं इनको। हर 15-20 दिन पे देंगे तब भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी करेगा। और फ्लावरिंग के लिए क्या करना है, आप लोग यही खाद दे सकते हैं, मतलब अच्छी ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग दोनों चीज़ इसी से होगी जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया है आपको। अगर फंगल लगता है आपके प्लांट में, आप थोड़ा सा आप हर 15 दिन पर नीम ऑयल या नीम की जो पत्तियां होती हैं उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप दे सकते हो, वो बहुत अच्छा होता है इसके लिए। इसकी जड़ों में डाल सकते हैं, प्लांट को नहला सकते हैं। इतना काम आप कर लीजिए, एडेनियम का प्लांट लगाना बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं, बहुत आसान, हमें लगता बहुत कम केयर में अच्छा प्लांट है। अगर मुझे लगता नहीं कि कम केयर करी जाती है तो मैं इतना कलेक्शन शायद बना भी नहीं पाती, तो मुझे बहुत ईजी लगता है। सारे प्लांटों में ये प्लांट बहुत ईजी है, हफ्ते में एक बार पानी डालना है, आपको देखभाल नहीं करनी है। और अगर फंगल लगता है तो नीम खली या नीम की पत्तियों का लिक्विड फर्टिलाइज़र या नीम की पत्तियों को सुखा के डायरेक्ट आप डाल दीजिए, किसी भी तरीके से डाल दीजिए। फ्लावरिंग के लिए क्या करना वो मैंने बता ही दिया है। समर सीज़न शुरू होते ही आपको इसकी प्रूनिंग भी करना है। आप कटिंग से तैयार करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और कटिंग पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे दोस्तों। तो ये था मेरा एडेनियम का कलेक्शन और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर एडेनियम प्लांट। तो आप लोग इसी तरह एडेनियम प्लांट को लगा सकते हैं। और आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। ओके फ्रेंड, बाय।